तो अगर तुम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास लोगों से ज्यादा इन कंपनियों के मैसेज आते हैं और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। मेरे पास आधे से ज्यादा कंपनी के मैसेज भरे पड़े हैं, मतलब कि 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 40, 50 कंपनियों के मैसेज मेरे फोन में आए हुए हैं और मैं इससे बिल्कुल ही परेशान हूँ कि हाँ ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। तो इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि कितना ज्यादा सिंपल है इन सारे कंपनी के मैसेज को बंद करना ताकि ये दोबारा मैसेज ना करे। तो सबसे पहले तो तुम्हें किसी भी कंपनी के मैसेज को ओपन कर लेना है और वहाँ पे तुम्हें बस टाइप करना है स्टॉप और फिर वहाँ से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो ऐसे करके आप लोग किसी भी कंपनी के मैसेज को बंद कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो आपको मैसेज कर रही है, तो सभी को एक बार में बंद कैसे किया जाए? तो इसके लिए भी एक सिंपल ट्रिक है, आपको उस स्टॉप मैसेज को सिलेक्ट करना है, देन आपको फॉरवर्ड आइकन पे क्लिक करना है एंड आप लोग यहाँ से सेम मैसेज को बहुत सारी कंपनी को सेंड कर सकते हो एंड एक ही बार में वो सारे कंपनी के मैसेज भी अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और बाद में अगर कभी आपको किसी कंपनी के मैसेज चाहिए तो आप लोग सिंपली स्टार्ट लिख सकते हो और वो कंपनी आपको दोबारा मैसेज करने लगेगी। तो ये था बहुत ही सिंपल ट्रिक जिसका यूज करके आप लोग सभी प्रमोशनल मैसेजेस को बंद कर सकते हो और अगर कंपनी फिर भी मैसेज कर रही तो आप लोग ऑलवेज ब्लॉक कर सकते हो। तो इस चैनल पे ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और न्यू अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट्स मिस ना हो।